श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्रो श्री विजय बुतिर दुर्वा नितिर मतिर मम। हे राजन सुनो, जो मुझे दिख रहा है, कौन कह रहा है? संजय कह रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं। क्या दिख रहा है कि जब दोनों सेनाएं हैं, अब इन दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन ने कहा मेरा रथ बीच में लाके खड़ा कर दिया जाए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से लड़ना है। और धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के लिए कौन कौन अपने प्राण की आहुति देने को तैयार हुआ है, ये मैं देखूं तो सही। ये बात कहकर कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ को लाके खड़ा कर दिया। एक बात आप लोग को बताऊंगा, बीचों बीच सेनियोर श्लोक है, दोनों सेनाओं के बीच में है ना श्लोक, बीच बीच यही जिंदगी की सच्चाई है। और जिंदगी की सच्चाई ये है कि इस संसार में जब भी आप पर एक बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति या समस्या आई, तब आप कहां होते हो? बीच मझधार में, बिल्कुल बीच मझधार में। और आपने सुना भी होगा कि हमें बीच मझधार में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, बीच मझधार में। तो अब यहां पर भी अर्जुन इस महाभारत के बीच मझधार में खड़ा है। और उस समय जब वो बीच मझधार में खड़ा है, तब उसके अपने उसके पीछे हैं, जो उसका साथ दे रहे हैं वो तो पीछे हैं, और जिनसे लड़ना है वो आगे है। ये बीच में अकेला हो गया है कि नहीं? जब अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहो, तो क्या उस समय वो सेनानायक था? नहीं, सेनानायक उस समय कौन था? पहले दिन सेनानायक कौन था? भीम ने तो रचना की थी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का पुत्र, मतलब अर्जुन का शाला। तो उस समय अर्जुन तो सेनानायक नहीं था। और जब अर्जुन ने कहा मेरा रथ
बीच में खड़ा कर दिया जाए, जाके बीच में, तब किसी ने रोका नहीं। फिर किसी ने कहा चलो हम भी चलते हैं, याद रखना। इससे सिद्ध होता है कि जब भी जिंदगी बीच मझधार में होती है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता, हमारा रथ बिल्कुल तनहा होता है। ये भगवद गीता की एक एक श्लोक, एक एक अध्याय में जिंदगी की रहस्य छुपे हैं। जैसे हारमोनियम है, दुनिया भर का संगीत इसमें, बस कोई उसमें से संगीत बजाने वाला, अर्थात कोई उसमें से निकालने वाला उस संगीत को हो। ऐसे भगवद गीता, मैंने कल कहा था, इसमें गीत भी है, संगीत भी है, मीत भी है, साथ में जीत भी है। इसमें से निकालो तो सही। अब आज देखो, अर्जुन का रथ बिल्कुल बीच में आ गया, अर्थात ये बीच क्या है, बीच मझधार है, इधर भी और उधर भी हथियार उठा के खड़े हैं, मरने के लिए तैयार है, और अर्जुन बीच में कैसे खड़ा, अकेला हो गया। मैं तो ये सोचता हूं कि जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मेरा रथ लेके जाओ, तब उसके पास अथॉरिटी क्या थी, उसे सेनानायक तो था नहीं, ना ही पांडवों में कोई बड़ा भाई था, चलो युधिष्ठिर करे तो समझ आए। ऐसा क्यों कि उन सबों में जो योद्धा था वो कौन था, वो अर्जुन था। योद्धा था वो, नहीं तो ये काम तो युधिष्ठिर का है। भाई रुको, मैं देखूं तो सही किससे लड़ रहा है, क्योंकि वो तो बड़ा भाई। अच्छा, जाके भीम का है कि मैंने सारी प्लानिंग की, देखूं तो सही, वो भी नहीं कह रहा है। ना ही जो सेना नायक है वो कह रहा है, अर्जुन ही क्यों कह रहा है, बताऊं क्योंकि 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं। अब अर्जुन को ही क्यों चुना, यत्रो, अब आ रहा हूं सब, अर्जुन को कृष्ण ने क्यों चुना कि तुम हो, मैं होना तो चाहिए धृतराष्ट्र, तो युधिष्ठिर को बोले कि युधिष्ठिर पांडवों में मैं युधिष्ठिर हूं, जब कह सकते हैं कि मैं पर्वतों में मेरु हूं, सर्पों में वासुकी हूं, स्थावरों में हिमालय हूं, तो युधिष्ठिर पांडवों में मैं अर्जुन हूं, ऐसा क्यों कहा? बड़ा भाई तो कौन है, युधिष्ठिर तो बोले ना पांडवों में, जब कह सकते जो बड़ी चीज थी वही कही ना, कि भाई सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, स्थावर कौन है, हिमालय है ना, तो हिमालय कहा, सबसे पर्वत मेरु है, मेरु कहा, सबसे बड़ा सांप वासुकी है, वासुकी कहा, है ना, सबसे बड़ी नदी गंगा है, गंगा कहा, सबसे बड़ा वृक्ष वटवृक्ष है, इस हिसाब से सबसे बड़ा तो युधिष्ठिर है। फिर युधिष्ठिर के बजाय अर्जुन को, जबकि वो तो उसका तीसरा नंबर है ना, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर वाले को ही क्यों बुलाया गया, इसके पीछे भी तो कोई रहस्य होगा ना, क्या रहस्य समझो। आज ये एक श्लोक पता नहीं मुझे कहां तक ले जाएगा, और आपको पता है एक एक श्लोक 2-3 महीने तो चलता है, 2-3 महीने चलता है, और पता है क्या, ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाता है तो बदल जाता है, जब तक होता नहीं है वो चलता रहता है। अब ये पता नहीं कहां तक चलेगा, क्योंकि इस श्लोक में एक अद्भुत बात है, और वो है कि जहां कृष्ण है वहां जीत निश्चित ध्रुव है।
अब यह जीत के हरेक के लिए अलग अलग मतलब निकलते हैं। जो बहनें अपने घर में संघर्ष कर रही है, जो लोग फाइनेंशियली संघर्ष कर रहे हैं, इमोशनली संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली में संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की युद्ध में, जंग में संघर्ष कर रहे हैं, कहीं स्टडी में संघर्ष कर रहे हैं, कहीं एग्जाम की तैयारी के संघर्ष है, कहीं फैमिली के आपस में वो संघर्ष है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में संघर्ष है, बच्चों और माँ बाप के रिलेशन में संघर्ष है। मैं तो यहां तक भी अब ओपन कहने लगा हूं कि लड़का लड़की जो फ्रेंडशिप है उनमें संघर्ष है, हर जगह संघर्ष। तो यहां विजय जीत के हरेक के अपने अलग मतलब निकलते हैं, क्योंकि संघर्ष है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, संघर्ष है, और उस संघर्ष करते करते एक वक्त आता जब हम सब बीच मझधार में आ जाते हैं, और जब बीच मझधार में आते तो दिखता क्या है, जहां से चले थे वो किनारा हमसे दूर रह गया, अर्थात छूट गया, और जहां जाना है वो किनारा अभी दूर है, हम बीच में, ना इधर कोई साथ देने वाला ना उधर कोई साथ देने वाला, बीच मझधार में आके खड़े हो गए। बीच मझधार में आके खड़े हो गए, और खड़े भी कैसे हुए, अकेले तन्हा। मैं सोचता हूं ये कभी कभी कि जब अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ लेके बीच में खड़े रहो, तब किसी और ने क्यों नहीं कहा कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं ना, अचानक कुछ हो जाए तो। और कृष्ण ने तो कह दिया था मैं लड़ूंगा ही नहीं, तो कुछ हो जाए तो। लेकिन याद रखना, जब भी जिंदगी बीच मझधार में आई, पीछे वाले बहुत पीछे रह जाते हैं और आगे का किनारा बहुत दूर होता है, तब उस समय अगर अर्जुन के साथ कोई गया वो कृष्ण, वो कृष्ण, वो कृष्ण। मैं आप सबको फिर से कहता हूं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे कई स्थान आते हैं जहां हम बीच मझधार में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, पक्की बात मानो। और ये नहीं कि मैं कोई 60 70 80 बरस के लोगों की बात कर, मैं देख रहा हूं बीच 20 25 25 बरस के लड़के लड़कियां कभी कभी ऐसी स्थितियों में आते हैं कि बिल्कुल तन्हा बीच मझधार में आ जाते हैं। क्यों? कि घर वालों को कुछ बता नहीं सकेंगे, ना ही अपनी मां को कुछ बता पाएगी, ना अपने पिता को कुछ बता पाएंगे, अकेले। और जो दोस्त होते हैं वही तो उनको बीच मझधार में छोड़ देते। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया कि उम्र भर का गम हमें इना कर, तो अकेला छोड़ दिया। और सामने की मंजिल इतनी दूर है कि कुछ दिखता नहीं। ऐसी कई लड़कियों को आप भी जानते होंगे, ऐसे कई लड़कों को आप भी जानते होंगे, जिनको उनके दोस्तों ने, जिनको उनकी सहेलियों ने बीच मझधार में छोड़ दिया, और वो ऐसा छोड़ा कि वो अपने मां बाप से अपने दिल की बात कह भी नहीं सकते, और सामने की मंजिल बहुत ही दूर है, अकेले हो गए। क्या करोगे, क्या करोगे? तब याद रखना ये श्लोक, पढ़ो बच्चों जोर से पढ़ो, मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है राजन? अब ये जो कृष्ण है ना,
ये दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस कौन है? कृष्ण। क्योंकि जिस और भगवान है, जहां पर कृष्ण है, जहां भगवान है, वहां श्री राधा रानी श्री राधे। और कल हमने देखा कि वो राधा रानी है जहां कृष्ण है वहां राधा रानी है, और जहां राधा रानी है वहां कृष्ण है। शक्ति ना शक्तिमान से अलग हो सकती और ना शक्तिमान शक्ति से अलग हो सकता है। तो कल हम वृंदावन में थे, और याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, भूमि का क्या बोला, भूमि का भाव पे बड़ा असर पड़ता, भूमि का भाव पे बड़ा असर पड़ता है, भूमि का भाव पे बड़ा असर पड़ता है। जब ब्रजवासियों ने सुना, क्या सुना, कि ठाकुर द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र पधार रहे, ओहो कोई हमारा प्यारा जो हमारे प्राण हो, प्राण से भी मतलब प्राण के भी प्राण हो, प्राण के भी, आपको पता है प्राण के भी प्राण होता है, जिंदगी की भी जिंदगी होती, जीवन का भी जीवन होता है, पता है आपको, जिंदगी की भी जिंदगी होती, जिंदगी हमारी है लेकिन हमारी जिंदगी की भी कोई जिंदगी है, प्राण हमारे हैं लेकिन हमारे प्राण के भी कोई प्राण है, आपको पता है। ब्रजवासियों के प्राण के भी प्राण, प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर प्राणनाथ मेरे ठाकुर द्वारका से आ रहे हैं, ये ब्रजवासियों ने सुना। ओहो जैसे कोई हमारा प्यारा डोंबेवली में आ जाए और हम उल्लासनगर में हो तो हमारे पांव रुकेंगे, बोलो तो सही है? नहीं रुकेंगे। अरे अभी कौन से रुकते, तो अभी तो यहां बैठे, अगर रुक जाते तो आज तो संडे था, ये देखो बाबा, बाबा ने मुझे कहा कल नहीं आऊंगा, आ गए। ये नशा है, राधा वृंदावन चंद्र एक नशा है, हरि कथा एक नशा है, सत्संग एक नशा है, ये आश्रम हमारा मेखाना है। बिल्कुल हमें आदत पड़ गई, किसी को हुक्का पीने की आदत है, किसी को दारू पीने की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को बियर पीने की आदत है, किसी को किसी का खून पीने की आदत है, लेकिन हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम रोज हरि कथा भर भर के पीते हैं, और पीते हैं इसलिए जीते हैं, नहीं तो सच कहता हूं हम में से कईयों के जीवन में इतनी उलझने हैं कि वो जीते जी मर गए होते। हे ठाकुर, तुम्हारा प्यार ना मिलता तो मर गए होते, कसम खुदा की जहां से गुजर गए होते, अभी तो हमारा नाम भी दुनिया भूल चुकी होती। ठाकुर ये तुम्हारा प्यार है तो जिंदा है। तो ब्रिजवासियों ने सुना, क्या सुना, कृष्ण बलराम और रुक्मणी आ रही है, कहां से, द्वारका से आ रही, सारी गोपियां। फिर से वो दिन, वो यादें गोपियों की आ गई, वो जमुना किनारा, वो महाराज की रात,
ऐसे लगता है कि गोपियां जब से श्याम सुंदर गए पहली बार मुस्कुराई, पहली बार मुस्कुराई, जैसे ही सुना कि अरे सखी वो हमारा कन्हैया, पता है क्या? बोला द्वारकाधीश हो गया है। क्या? बोला बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। वो नंद भवन में अब नहीं रहता है, तो वो द्वारका सोने की द्वारका में रहता है। तो सखियों ने कहा अब, अरे सखी तुझे क्या पता, अब हम गवालने उसे नहीं भाने वाली हैं। क्यों? हम गवार अनपढ़, श्रृंगार भी हम ठीक तरह से नहीं कर पा रही, हम गांव की भोली ग्वालने। फिर आगे जप तप और क्या जाने, हम क्या जाने, हम तो दूध दही छाछ बेचने वाली गवालने। और बोला रुक्मिणी राजा की बेटी है, विदर्भ राज की पुत्री है। राधा रानी ने सुना जब तो यादों में खो गई, कहां श्याम सुंदर उनका श्रृंगार करता, और जब झूला झूलते हैं तो कौन झूलते हैं? श्यामा श्याम झूलते। और राधा रानी ने सोचा कि आज जिस श्याम सुंदर के बराबर मैं झूला झूलती, आज वहां तो रुक्मिणी बैठी होगी। कैसा लगेगा? और सारी गोपियों को एक ही चिंता थी कि हम कुरुक्षेत्र तो जा रहे हैं, लेकिन अपने श्याम सुंदर को बदला हुआ देखेंगी तो हम पे क्या बीतेगी। सच्ची बात है, जिससे प्यार करो और कभी वो आपको अवॉइड करने लग जाए, क्या बीतेगी? अजनबी बन जाए, क्या बीतेगी? सोचो रात दिन सुबह शाम कृष्ण 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 कृष्ण, कभी मटकी चुरा रहा है, कभी वस्त्र चुरा रहा है, कभी रास कर रहा है, कभी माखन, कभी झूला, कभी नौका विहार। सुबह से शाम तक राधा रानी और गोपियों के जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त था ही क्या, और उन्होंने कुछ रखा भी नहीं था। ऐसी गोपियां सोचती है कि सुना है वो रुक्मिणी के साथ आ रहा है। स्त्री के लिए बहुत बड़ी यह तपस्या होती है, जिसको वो प्यार करे वो किसी और के साथ हो, ये उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या है। और यहां तो गोपियों ने अपना तन मन धन सब कृष्ण के ऊपर नौछावर कर दिया, अब उनके पास कुछ रहा ही नहीं। लुट गई हम, क्या लुट गई? ठाकुर खुद को तुम पर नौछावर कर दिया, रहा क्या? आपस में सखियां कहने लगी कि हमें तो आदत है श्यामा श्याम युगल सरकार के दर्शन करने की, अब हम रुक्मिणी को देखेंगे हमारे प्यारे के साथ लगेगा कैसे? मैं फिर कहता हूं भूमि का भाव पर बड़ा असर पड़ता है, लेकिन याद रखना गोपियां अद्भुत है, तभी तो उनकी महिमा होती है। और भागवत तो कहता है कि यदि भक्ति सीखनी है तो गोपी पद कमल, गोपियों के चरण चिन्ह के पीछे चलो तो ठाकुर तक
पहुंच जाओगे। लेकिन गोपियों के चरण चिन्ह के पीछे चलने के लिए पहले स्वयं को मारना पड़ता है। इतना आसान नहीं गोपियों के पीछे चलना, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा कृष्ण को किसके साथ देखा? राधा रानी के साथ देखा। युगल सरकार जिनसे उनके नयन को नयन अभिराम होता था श्यामा श्याम के दर्शन करने, अरे वो ठाकुर एक अजनबी स्त्री के साथ होगा क्या लगेगा? शायद हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि हमें तो आदत है, क्योंकि फूलों में सज रहे हैं और फिर और साथ सज रही है वृषभानु दुलारी, हमने तो ये दर्शन किए हैं। अब रुक्मणी के साथ हमारा प्यारा श्याम सुंदर लगेगा कैसे? और शायद ये दृश्य हम देख नहीं पाए, क्योंकि उस समय हमारी किशोरी जी अकेली बिना कृष्ण के। और यहां राधा रानी ने श्रृंगार करना छोड़ दिया और वहां रुक्मणी ने दिन ब दिन श्रृंगार, दिन ब दिन रुक्मणी का श्रृंगार, क्योंकि जिसके लिए वो श्रृंगार कर रही थी वो तो उसके साथ था, और इसका तो श्रृंगार ही द्वारका चला गया। श्री राधे, अब राधा रानी ने बाल केश तक बनाने छोड़ दिए। अब कपड़े बदल के जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स ही शहर से चला गया, अब बाहर जाऊं किसके लिए जाऊं? भाई ही नहीं, क्योंकि याद रखना मेरी माताओं बहनों, स्त्रियां जितना भी मेकअप लगा ले, जितनी लाली पाउडर कहीं भी चले जाओ, लेकिन उनका असली श्रृंगार पार्लर में नहीं होता, उनका असली श्रृंगार उनका वो पति है जिसका प्रेम उसको वास्तविक में सुंदर कर देता है। ये पार्लर वालर तो सिर्फ ठीक है ठीक है। अब राधा रानी कैसी हो गई? केश में कंघा करना छोड़ दिया, वस्त्र बदलना छोड़ दिए, श्रृंगार करना, वो लाडली जू श्रृंगार करे भी तो कैसे, क्योंकि उसका श्रृंगार करने वाला तो द्वारका चला गया। वृंदावन का श्रृंगार वट सूना हो गया, जिसके नीचे बैठकर ठाकुर ठकुरायन का श्रृंगार, वो चरण का महावर कौन लगाए अब, क्योंकि लगाने वाला तो द्वारका चला गया। वो बालू को गूंथने वाला, फूलों लगाने वाला तो द्वारका चला गया, कौन लगाए? सारी गोपियों ने सोचा कि अब कैसे होगा, क्योंकि हमारी आंखों को तो श्यामा श्याम के दर्शन की आदत पड़ गई है, और अब हमारी श्यामा जू यदि कृष्ण के साथ ना हुई तो क्या वो दृश्य हम देख पाएंगे? क्या देख पाएंगे? दूसरी तरफ राधा रानी, अब उद्धव ढूंढते जब वो वृंदावन पहुंचा, तब उद्धव ने राधा रानी की बड़ी महिमा सुनी थी। किससे? कृष्ण से बड़ी महिमा सुनी थी, और उद्धव ने लोगों से पूछा कि कोई राधा नाम की गोपी है यहां?
तो ब्रजवासियों ने कहा है, लेकिन इस समय उद्धव उसे आप देख नहीं पाओगे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये श्रृंगार कब शोभा देता है? जब उसका कोई देखने वाला हो। नहीं तो लोगों को तो दिखाओगे ना तो सिर्फ गंदी नजर ही डालेंगे। इतना याद रख, इतना याद रख। स्त्रियों का सच्चा श्रृंगार लाली पाउडर क्रीम नहीं है, उसका सुहाग है। कितने सोने पे सुहागा, ये सुहागा है, ये सुहाग ही उसका सुहागा है। जो उसकी बिंदिया की चमक, उसके होंठों की मुस्कुराहट और आंखों में जिंदगी की ललक। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं जो जिंदा तो है लेकिन आंखें उनकी मरी हुई है, होंठ है लेकिन लगता है मुस्कुराना ही भूल चुके हैं। आंखों से जिंदगी चली गई है, पथराई हुई आंखों के साथ दुनिया क्या देखोगी? राधा रानी को जब उद्धव ने देखा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जब राधा रानी को उद्धव ने देखा तब राधा रानी एक दीवार पे, कोयला आता है ना कोयला, उससे एक चित्र बना रही थी कि हे श्याम सुंदर, तुम तो चले गए, अब तुम्हारा चित्र ये है जीने के लिए। कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, क्यों अब कौन देगा दिल को दिलासे तेरे बगैर। मेरी माताओं बहनों, हम तो कभी की जिंदगी की आपाधापी में मर गए होते अगर कोई जिंदगी में सतगुरु रूपी दिलासे देने वाला ना होता, मर गए होते थे, क्या बचा होता था जिंदगी में। क्योंकि मैं देखता हूं छोटी छोटी उम्र में बच्चों ने बड़ी बड़ी चोटें खा ली है, छोटी छोटी उम्रों में बड़ी बड़ी चोटें, छोटी छोटी उम्रों में बड़ी बड़ी चोटें खाई है। और उस चोट पर मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी मरहम काम करेगा, क्योंकि वो चोट किसी अपने ने मारी है, कहा क्या करेगा दवाई। वहां तो हरि कथा का मरहम वो आनंद देता है जो एक नई जिंदगी जीने की प्रेरणा दे देता। श्री राधे 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 श्री राधे। राधा रानी कृष्ण का एक चित्र बना दिया। उद्धव ने, क्योंकि उद्धव तो ज्ञानी है, उद्धव तो ज्ञानी है, उद्धव ने तुरंत ताना मार दिया कि अरे गवार गोपी, तू तो दूध छाछ और गाय के गोबर में ही जीवन बिताया, तुझे तो चित्र बनाना भी नहीं आया। राधा रानी ने ऐसे आंख उठा के देखा, लेकिन याद रख लो आंखें थी, क्या बोला, लेकिन उन आंखों में जिंदगी नहीं थी, क्योंकि राधा रानी की जिंदगी तो मथुरा में थी, राधा रानी की जिंदगी तो मथुरा में थी, यहां तो सिर्फ आंखें थी, आंखों की रोशनी तो मथुरा में थी,
यहाँ तो सिर्फ आंखें थी, आंखों का नूर तो मथुरा में था, यहाँ तो सिर्फ आंखें थी, आंखों की ठंडक तो मथुरा में थी। राधे, ये चित्र आधा बनाया है, ये चित्र आधा बनाया है। कैसे? बोला इसके पांव तो है ही नहीं, चरण तो है ही नहीं, आधा अधूरा। तब राधे ने कहा, भैया उद्धव, ये मैंने जान बूझ के इसके चरण नहीं बनाए, क्योंकि कृष्ण तो मुझे छोड़कर मथुरा चला गया, डर लगता है कि इसका चित्र भी कहीं छोड़ के मथुरा ना चला जाए, इसलिए चरण नहीं बनाए कि कम से कम ये चित्र तो मेरे पास रहेगा, यही तो अब मेरे जीने का एक सहारा, इसी की याद पे हूं। ऐसी राधा रानी ने जब सुना, क्या सुना? कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। तब सब ब्रज गोपियों ने तैयारी कर ली, साथ में नंद बाबा, मां यशोदा और सारे ब्रजवासियों ने तैयारी कर ली। चलो कहां चले? कुरुक्षेत्र चले। अब जो जिससे बन पड़ा उसने उपहार लिया ठाकुर के लिए, लेकिन उनको क्या पता कि अब तो ये 56 भोग खाता है सोने के बर्तनों में। आपस में गोपियां बात करने लगी कि अरे सखी, अब ये हमारा दूध माखन छाछ थोड़ी खाएगा, क्यों? बड़ा वो तो अब सुना है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा राजा बन गया। गुजरात के कवि ने कहा, मैं उसका समझाऊं कि हे उद्धव, जा रहे हो ना, तो जो हमारा प्यारा है ना उसको थोड़ा डांटना। क्या करना? मारा वाला ने वड़ी वड़ी ना वड़ी ने केजो दी, थोड़ा उसका डांटना, थोड़ा डांटना उसको। क्या डांटना? कि जब से मथुरा में गए हो ना, सुना है वहां की सुंदरियां बड़ी पढ़ी लिखी है, तो हम गवालों को तो भूल गए, बस किया। चलो ठीक है, तुम खुश रहो, बस हमें छोड़ दो, हम जिएंगे, तुम्हारी याद में जिएंगे, ठीक है, छोड़ दो। आज मुझे ऐसे लगता है मैं अकेला ही बैठा हूं, इतना सन्नाटा है। ये सन्नाटा वो हम सब के अंदर जो श्याम सुंदर के प्रति प्रेम है ना, उसने हमें सुनने पे मजबूर कर रखा। सबके हृदय में जो एक गोपी बैठी हुई है, जो कृष्ण के लिए ललायत होके अपने घर के जो भी जिम्मेदारियां हैं जल्दी जल्दी निपटाती हुई, भागती दौड़ती हुई यहां के बैठ जाती है, ये वो गोपी का सन्नाटा है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। और सबों ने सुना था कि रुक्मणी बहुत ही बहुत सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी, तो सुना विदर्भ राज की बेटी है, लाडली बेटी है। और हम तो गवाला ने, और सुना है उसको श्रृंगार करना भी बहुत अच्छा आता है। तब सबों ने देखा कि चलो हमारे ठाकुर बिना राधा रानी के रुक्मणी के साथ लगते कैसे है। चल, अब सब ब्रजवासियों ने, किसी ने दूध, किसी ने माखन, किसी ने दही, सब एक दूसरे को याद है लाला क्या खाता था? कोई कहता था लड्डू, चलो लड्डू। किसी को तुझे याद है लाला क्या खाता था? किसी ने कहा माखन, ले लो माखन। तुझे पता है क्या खा? मिश्री, चलो मिश्री, चलो 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 चलो। सिर्फ ब्रिज में एक ही आवाज, चलो 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 चलो। अब दिन आया सूर्य ग्रहण का, और सब चल पड़े कहां?
कुरुक्षेत्र कल्प छोड़ते हैं, कल्प छोड़ देते हैं कि जब पहली बार राधा रानी और रुक्मिणी का सामना होगा एक तरफ प्रेम एक तरफ रिश्ता, एक तरफ प्रेम एक तरफ रिश्ता, रिश्ता रिश्ता है और प्रेम फरिश्ता है, रिश्ता रिश्ता है और प्रेम फरिश्ता है। अब एक और राधा रानी है और एक और रुक्मिणी जी है, रुक्मिणी जी राजकुमारी और राधा रानी गवालन, देखते क्या होता है। कल तक की प्रतीक्षा में भी और आप भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वृंदावन की महिमा और वृंदावन की लीला ऐसी है कि बाहर तो क्या इंसान के अंदर का शोर भी शांत हो जाता है और खुली आंखों में इंसान समाधि की अवस्था में चला जाता है। आंखें बंद करो तो ज्ञान समाधि है और आंखें खोलकर उन आंखों से यदि कभी थोड़े एक आध आंसू निकला है तो उस दिन समझना आपकी प्रेम समाधि लग गई है। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल श्यामचंद्र निताई गौर, जय जय श्री राधे जय जय।